जोहर ने लगा दी है आयशा खान की क्लास भाई, लगनी ही थी। कौन सा है मुद्दा? मुनव्वर ऑफ कोर्स, बट बहुत ही ज्यादा अबला नारी बन रही है ना कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। उस बंदे ने 50 100 बार सॉरी मांग ली, बट इसने माफ नहीं किया। पर इसका गुलाम बनने के लिए भी तैयार है मुनव्वर फारूकी। आप बख्श दो, अल्लाह के वास्ते मुझे बख्श दो। पर नहीं भाई, ये नहीं बख्श सकती, ये तो अपने फायदे के लिए आई है। करण ने ये बात बोल दी कि अगर आपके पास इतनी सारी चीजें थी बोलने के लिए, तो पहले क्यों नहीं बोली आपने? अभी मैं आप लोगों को याद करवाऊं कि भाई कोट भी बना था घर में, घेरे रखे गए थे, जज बनाए गए थे, लॉयर रखे गए थे, स्क्रिप्ट भेजी गई थी, केस भेजे गए थे। वहां पर जो है आयशा को खड़ा किया गया था, तो आयशा ने वो ही घिसी पीटी बातें फिर दोबारा से उसी कोर्ट में क्यों बोली, जो कि लोग जो है ऑलरेडी सुन चुके थे। और फिर जो है उसने फिर घिसी पीटी बातें बोली। जब ये नॉमिनेट हो गई तब ट्रिगर हो गई। बहुत ज्यादा नहीं ट्रिगर हुई ये, मतलब कि आते हुए इतनी ज्यादा ट्रिगर नहीं थी जितना नॉमिनेशन से ट्रिगर हो गई। यानी कि इसको जो है ना बिग बॉस के प्लेटफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए तो मुनावर का नाम खराब करके ये आई है यहाँ पर। तो मैं सब चीजें बोल दूंगी, मैं अब इस मैंने अंदर रखा, मैं चुप थी, अब मैं बोलूंगी। भाई मुनव्वर ऐसा, मुनव्वर नाजिला को ऐसा बोलता है, मेरे को ऐसा बोलता है, इसने मुझे यूज किया, मुझे यूज एंड थ्रो किया, उसने भाई माफी मांग ली। अगर आपके पास इतनी सारी चीजें थी तो आज तक बचा के क्यों रखी थी? नॉमिनेशन के बाद ही जो है आपने ये पिटारा आपका खोला, तो क्यों नॉमिनेशन के लिए ही ना? तो ये साफ तौर पर आयशा खान को बोल दिया है कि भाई तुमने ये नॉमिनेशन से बचने के लिए किया है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।